अयोध्या फैसले की नजदीकियों को देखते हुए जहां पूरे देश को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, वहीं आज रात बांदा पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के होटल, लॉस स्टेशन, धार्मिक स्थलों में चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। साथ ही पुलिस द्वारा शहर में पैदल गश्त कर लोगों को अयोध्या मामले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बता दें, कई वर्षों से अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला विचाराधीन है और अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की टीम इस फैसले को सुनाएगी, जिसको देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया व धारा 144 भी लागू कर दी गई। शासन ने आदेशानुसार देश के हर जिले में पैदल गश्त करने व जनता से इस फैसले का सम्मान करने की अपील की जा रही है। वहीं आज रात बांदा जनपद में भी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल को लेकर शहर में पैदल भ्रमण किया व लोगों को अयोध्या मामले, उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करने को कहा व शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी दी। टीम ने शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, लॉज, मुख्य बाजार व सभी धार्मिक स्थलों में चेकिंग अभियान चलाते हुए पैदल यात्रियों की व वाहनों की तलाशी ली। साथ ही कई धार्मिक स्थलों पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। इस अभियान के बारे में बांदा सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि अयोध्या मामले के फैसले को मद्देनजर देखते हुए आज शहर में पैदल गश्त किया गया व शहर के विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया व जनता से उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया व माहौल बिगाड़ने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हम लोगों ने पैदल गश्त जो है पूरे शहर क्षेत्र में निकाला, जिसमें महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, ढाबा, सराय, होटल और प्रमुख धार्मिक स्थलों की चेकिंग की गई और जहां महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थान थे वहां ड्यूटियां लगाई गई। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का कल निर्णय प्रतीक्षित है, उसको देखते हुए जो है हम लोगों ने यह एहतियातन जो है चेकिंग करवाई है और आगे भी यह चेकिंग चलती रहेगी। सर, चेकिंग दौरान एक गाड़ी संदिग्ध दिखी जिसकी चेकिंग थी, क्या कुछ मिला है? हाँ, अभी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी सफारी थी छत्तीसगढ़ की, जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी और हूटर लगा था। पूरी गाड़ी को जो है फिजिकली चेक कराया गया, उनका होटल करवा दिया गया, ब्लैक फिल्म निकालकर उनका जो है जुर्माना जमा कराया गया और गाड़ी जो है चालान किया गया। थैंक